जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। क्या पता कौन मुन्ना बैठी। दैनिक जागरण का पूरे मन से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जिस दिन से यह ऑडिटोरियम यह रुद्राक्ष सेंटर बना, तब से मन में एक इच्छा थी कि यहाँ पर किसी दिन काव्य पाठ में मौका लगे, और दैनिक जागरण की वजह से यह संभव हो पाया। तो मैं दैनिक जागरण को बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अवस्थी जी का बहुत ही धन्यवाद। मेरे मतलब हम चार भाई बहन ही हैं, चार इन्होंने और बढ़ा दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे माता पिता के बिना किसी सहयोग के हम लोग 4 से 8 हो गए, तो जितना इनको धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। मेरे विषय में बताया, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई सर, तो मैं दिल्ली रहने लगा। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिहार की मिट्टी से जो ये प्रेम है, उसके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जी। आज बहुत ही अद्भुत रहा। एक तो जितनी भी यहाँ पे मातृशक्ति बैठी है महिलाएं, उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। विशेष प्रणाम यही इसलिए करता हूँ क्योंकि ये ठीक वही समय है जब हमारे घरों में घर तोड़ू सीरियल शुरू होते हैं। उस सब का त्याग करके आप लोग यहाँ पर आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये महिलाएं देख कर कहीं उठती है दिया और बाती, भले ही भूखा मर जाए जीवन साथी। तो इनके आने को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, सचमुच प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी महिलाएं, जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तो मैं लगातार अंकिता जी से कह रहा था कि देखो बहुत सारी महिलाएँ मुझे लगातार घूर घूर कर देख रही हैं। इसमें ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर लगातार यही सोच रही है चलो अपना वाला तो ढंग का है। हाँ, तो जिनको लग रहा है कि वो ढंग के हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आज जो कमाल मेरे साथ हुआ, सूरजमणि मेरा छोटा भाई, इन्होंने मुझे दर्शन करवाए, बाबा के दर्शन कराए, तो एक इनके लिए तालियां बजा दीजिए कि इन्होंने बहुत अच्छे दर्शन कराए। अच्छा, बहुत अच्छी कविता पढ़ी। आज जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा सर, कमिश्नर साहब, तो मैंने बहुत अद्भुत दृश्य देखा। दो आदमी बाहर एयरपोर्ट के आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैं उन्हें समझाने गया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। बोले तू हमें समझाने आ गया। बनारस का मामला अद्भुत है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत बढ़िया। पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। ना, तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। वाह 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 वाह। और जितने लोग की तालियां ठहाके या आशीर्वाद रह गया हो, एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा।
देश अपना अद्भुत है सर, जहाँ चले जाइए वहीं पर अद्भुत सी हंसी बिखरी पड़ी है। और आप लोगों ने इतना बढ़िया, यहाँ पर मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर मैंने दो पंक्तियां पढ़ी, बहुत देर तक हंसता रहा। पंक्तियां लिखी हुई थी कि सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। चल गई। एक आदमी की शादी हुई और शादी के ठीक पांचवें दिन जिस ब्यूटी पार्लर से पत्नी तैयार होकर के आई थी, वहां पे जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का एक मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर ने जब उस बॉक्स को खोला तो उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, भाई साहब ये क्या मजाक है? बोले, वही जो तुमने मेरे साथ किया है। अच्छे, बढ़िया। तो हमारा तो देश बहुत ही अद्भुत है। चार लाइनें आपको सुनाता हूं और सचमुच एक एक व्यक्ति के चेहरे पर जो मुस्कुराहटें हैं उनको प्रणाम करते हुए चार बिल्कुल नई लाइनें सुनिए। आज मैंने वादा किया था पवार जी से कि तीन बिल्कुल नई मुक्तक सुनाऊंगा। तीन नए मुक्तक। तो पहला मुक्तक सुनिए, आप इन चार लाइनों का मजा लीजिए। बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, देखते तो सब हैं ही, बनाते हैं कुछ कुछ लोग, इन रील्स बनाने वालों का आनंद लीजिए, मजा लीजिए। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए। अगली चार लाइन, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना। बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं, देखिए मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, मेरे ऊपर दुनिया का कोई भी फिल्टर काम नहीं करता। और भाई साहब आप क्यों बना रहे हैं? आप बनाओगे, घर जाके भाभी जी को दिखाओगे, वो मुझे जूम कर करके देखेगी, आपको अच्छा लगेगा। बताइए, उधर मैडम बना रही, आप तो बनाती रहो। चार लाइन सुनना, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेन देन ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM ना बनाना, भूले से भी पत्नी को। वाह वाह, इस बात पे कमिश्नर साहब भी हंसे, सर प्रणाम करता हूँ, ये तरीका भी है। वाह, अगर पत्नी ना जा रही हो तो SDM बना दो, भूले से भी पत्नी। अच्छा सर, पुलिस को देखते ही, खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस, मैं प्रणाम कर लेता हूँ दूर से ही। दूर से, पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की पुलिस नई नई फॉर्चुनर खरीदती है, स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है और कहती है, आइए हम ससम्मान आपको थाने तक ले जाना चाहते हैं। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए, ये फॉर्चुनर में नहीं जाएंगे। ये जो ख्याति उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पाई है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये अद्भुत ख्याति है साहब। चार लाइन सुनिएगा साहब, आजकल ये पबजी का जमाना है, मैं कहूंगा कुछ नहीं, चार वायरल लाइनें आप सबको, दादा बिल्कुल नहीं, हाँ कि पबजी में डूबा डूबा समग, ये इतनी पास से क्या लेने आए हो बेटा? मैंने खाली बाल बड़े किए हैं, दूर से भी और पास से। बताओ, ये इतने पास से मेरी फोटो लेने आ गया, इसको लगा दूर से कोई हुर की परी होगी, यहाँ इसे लंगूर का पड़ा दिख रहा है। करे क्या, किताब बिल्कुल नहीं, चार लाइने, हाँ। कि पबजी में डूबा डूबा सा मगरूर सा लड़का, पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, हर लड़की जिसको कहती है लंगूर सा लड़का, जिस पर फिदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लप्पू सा सचिन देखिए,
लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा लड़का, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा लड़का, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। वाह। और सर आपने जिक्र किया टमाटर का, मैं अगर आपकी जगह होता मैं तो तब तक सुनाता जब तक ये लोग सचमुच टमाटर ना फेंकते। अच्छा, पेमेंट से ज्यादा महंगे तो वो हैं। 4 लाइन सुनिएगा, 4 लाइनों में आप लोगों को मजा आ जाएगा साहब। सचमुच एक तो मतलब महिलाओं को जब मैं इतना हंसते खेलते गाते गाते देखता हूँ, एक बात मुझे समझ नहीं आती सर, ये बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं, सभी की, मेरी भी हैं, आप सबकी अच्छी होती होंगी, लेकिन साहब ये खतरनाक पत्नियां आती कहाँ से है? हाँ, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप लोग इतने मन और आनंद से सुन रहे हैं कि आपको, खासकर पुलिस जी मैं आपको फिर से प्रणाम करते हुए 4 लाइनें सुनाता हूँ। ये सर मैंने उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए ही लिखा था कि 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है, पानी में जैसे ये लगा के आग देती है, यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है, मुंह से आवाज करके, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए, चीनी को जब माँ करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूँ, क्लास में अध्यापक आया बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो गया, बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ आपको, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें कौन सा अलंकार है, मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके, संस्कृत वाले ने फिर पूछ लिया, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसके हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, माँ तू सोजा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से, मैं आपको बिल्कुल सच बता, हिंदी का अध्यापक आ गया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की कि छोटी की, मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा कर, सच बिल्कुल सच बता रहा हूं, आप लोगों को मजा आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया कि माल्यार्पण किसे कहते हैं, मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे,
तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बिल्कुल सही आपको बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो आमंत्रण आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं, घर पर भी इतना खुश रहा करो। चीनी को जमा करके फिर, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की नारी शक्ति ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, इतने बढ़िया लोग, इतना बढ़िया ऑडिटोरियम, दैनिक जागरण का इतना शानदार कार्यक्रम, आगे से पीछे तक सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि हमारी अंतरिक्ष की संस्था स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वाह बहुत अच्छा विशाल सर, ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई हैं क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना इसरो से उस दिन का नाता है। चीनी को जमा करके फिर, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटा। चीनी को जा, गणित वाला फिर आ गया सर, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जमा करके फिर, गणित वाले ने फिर पूछा, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से, अरे दादा वाह, बहुत अच्छे। महादेव, बहुत अच्छे। ये कौन सी आवाज थी? ये बनारस में ही मिलेगी। अच्छा बेटा, इतनी रात को ऐसी आवाज नहीं करते, पड़ोसियों को गलतफहमी हो जाएगी। ऐसी आवाज कि चीनी को जमा करके फिर, मैं सच बता रहा हूं सर, मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कभी डस्ती क्यों नहीं हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, कितने समझदार लोग हो आप लोग, वाह 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 वाह, प्रणाम करता हूँ। एक एक आदमी इतना ज्यादा मजा ले रहा है कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो सर बिहार का रहने वाला, ट्रेन में आ रहा, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के होते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया उसमें खुद बंद रहे। वाह, ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैं तो बिहार का हूँ, ये मोहन मेरा बहुत प्यारा मित्र है और बचपन का दोस्त है, कवि सम्मेलन से पहला, मतलब कवि सम्मेलन में मेरे सारे दोस्त हैं लेकिन कवि सम्मेलन से पहले का मेरा एक ही मात्र दोस्त है। तो मोहन इतना बढ़िया उसने सुनाया, आज मिलने का भी मौका मिला, भी कुछ दिन पहले भी मिले थे। ये मुझे कह रहा था कि यार एक बात बताओ, ये सारे बिहारी IAS IPS ऐसे ऐसे बनते हो, कितना दिमाग होता है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा देखो जितना तुम्हारे अंदर होता है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। चीनी को जमा करके, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोले वो 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, वो बोले वो 18-20। मैं तो बीत के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, क्या आनंद है आप लोगों को। अंतिम चार लाइनें सुनिए, समय की अपनी सीमाएं मर्यादाएं हैं। एक चीज आप लोगों को मैं साझा करना चाहता हूं कि मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, आप यकीन मानिए मैं हर मंच पर धोती और कुर्ता पहन करके ही जाता हूं। बहुत अच्छे। इसके पीछे एक ही कारण है कि आज जब हमारे गाँव में कोई बुजुर्ग अपना देह त्यागता है तो बुजुर्ग नहीं जाता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक व्यक्ति कम हो जाता है।
हमारी एक परंपरा, हमारा परिधान खत्म होता जा रहा है। मैं चार अंतिम लाइनें आप लोगों को सुना करके कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ हास के उत्सव को मनाओ। आभार, धन्यवाद, हर हर महादेव।